I'll start at your cue, ma'am. Yeah, you finish and then let's start. So we have Sharmila Oswal ji with us, ek bahut jani mani hasti aur mere dil ke bahut aziz. A very, very gorgeous, sweet, humble, modest lady. The one who makes the best masala chai I have ever known and ever had. Sharmila ji ki tareef agar main karna shuru karu to shayad ye sara session unke tareef mein hi khatam ho jaye. The awards, the rewards, the recognition, designations, ye shayad aadha ghanta bhi kam pade hame batane ke liye ki Sharmila Oswal hai kaun. But aaj hum inne aapke samne laaye hai just so that we hear it from the horse's mouth. Sharmila ji, I would request you to start this session and I would request you to take over this session. Trinity International School is honored and privileged to have you on board and to have you speak to our audience about the topic you chose, from zero to hero. But uske pehle mujhe aapse ek sawal, mujhe audience ko ye batana hai ki aapki journey yahan tak ke kaise rahi. I want you to speak about your journey, please. Okay, so shall I? Yes. I begin? Okay. Ye sham aapke naam. Okay, good evening, friends. It's indeed pleasure and privilege to meet. This is a very wider, different kind of, because all globally I'm addressing, and every time audiences are different, and I really enjoy that because knowing the different cultures and this is a kind of inter exchange. So, well, zindagi mein hero banne ke liye, shiro banne ke liye, जरूरी नहीं है यू नो आपको गोल्ड स्पून के साथ पैदा होना है, सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना है, या आइदर योर एज और आइदर योर मैरिज और आइदर यू नो योर ब्यूटीफुल और योर यू नो जीरो साइज, या ये कुछ भी नहीं है मेरे पास. सो यू नो लाइक आई बॉर्न इन अ वेरी वेरी स्मॉल विलेज, 70-80 घर का कोंकण में एक गाँव जिसमें मेरा जन्म हुआ. बट जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी हम बॉर्न वो कीड़े के साथ होते हैं, यू नो एक जहन में एक जज्बा, एक यू नो जुनून कि जिंदगी में कुछ करना है. तो थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे लोकमान्य तिलक जी का चैप्टर था जिसने मुझे प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि स्वराज्य यह मेरा जन्मसिद्ध हक है और वो मैं लेके रहूंगा. मैंने उन दो लाइनों को बदल के शिक्षण, स्वराज्य की जगह शिक्षण कर दिया, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ राजस्थानी फैमिली, कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, जन्म भी अनवांटेड गर्ल चाइल्ड करके ही हुआ. सो द वॉर्म्थ वाज नॉट देयर, आई वाज नॉट वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड, बट माय पेरेंट्स वर ग्रेट. वो जॉइंट फैमिलीज होती है तो आपको पता है दादी दादा या वो जमाने ही वैसे होते थे. बट फॉर्चुनेटली पेरेंट्स वर ग्रेट, दे वर वेरी लिबरल, एंड सही टाइम पे मेरे माताजी का इंजेक्शन कि बेटी भाग जा, वो जो दिल वाले दुल्हनिया है ना जिसमें वो कहते बेटी भाग जा, तो वैसे ही सीन कुछ मेरे साथ भी हुआ. बिकॉज माई मदर डिडंट वॉन्टेड कि मैं एक राजस्थानी परिवार में शादी हो जाए और जिंदगी, तो उनका बिल्कुल मेरे लिए ये था कि यहाँ से भाग जा, जो कुछ भी करेगी अच्छा ही करेगी जिंदगी में, पढ़ ले, पर यहाँ रह के शादी हो जाएगी, ये सब हो जाएगी. तो यू नो सो दैट्स वाई आई हैड टू लीव माई हाउस, आई मीन रैन अवे एट द एज ऑफ 14. बहुत ही जिंदगी में स्ट्रगल रहा है, कुछ भी आसानी से नहीं मिला. आप ये कभी सोचना भी मत, इनफैक्ट जिंदगी हमेशा एक उतरन की तरह ही रही है हर जर्रे पे. मेड बी आई वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ कॉलेज वेरी यंगेस्ट एज अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ 29 यंगेस्ट 29 एट यंगेस्ट. सो जब आप यू नो लाइक बेसिकली गोइंग थ्रू दिस इन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत अच्छे आपको टीचर्स मिलेंगे, फैकल्टीज मिलेंगे, बट ये ओपन एससी एसटी एंड मेरिट्स पे जब कंसिडर नहीं होता है तो यू नो इट रियली बॉदर्स यू. सो आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज फॉट फॉर मेरिट. इनफैक्ट मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाती थी तो माई ऑलवेज थिंकिंग इज जो ब्रिटिश छोड़ के गए हम वही रट्टा मार रहे हैं, हम वही पढ़ रहे हैं. आप कोर्ट्स में जाइए, 5 साल की पढ़ाई, आपकी लॉ की पढ़ाई कोई काम की नहीं है. सो बेसिकली आई फॉट विद द सिस्टम्स एवरीथिंग, बट यू नो आई एम नॉट द पर्सन हु कैन डू द जी हुजूरी. सो आई हैड अ वेरी ग्रेट एस्पिरेशंस टू बी अ बैरिस्टर इन माई पोयनाड टाइम. पोयनाड इज माई स्मॉल विलेज इन कोंकण. So I saw this dream to be a barrister because Dr. Baba Saheb Ambedkar is from my region. So mera sapna tha ki Dr. Baba Saheb Ambedkar ke baad main pehli mahila barrister banungi. So koi resources nahi the, paise nahi the, pura life ka education maine scholarship pe kiya hai. Mera 4th standard ka scholarship, 7th standard scholarship, then 10th mein. To 60 rupees the.
फोर्थ एंड नाइन्थ का स्कॉलरशिप ₹60 और टेंथ का स्कॉलरशिप जो था बोर्ड में जब आई तब ₹100। तो ऐसा सारा सिलसिला था। ILS लॉ कॉलेज का एडमिशन भी कुछ ऐसे ही हुआ। डॉक्टर सत्यरंजन साठे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अथॉरिटी रहे हैं, उनको कहना पड़ा कि सर मेरे पास सुभाष चंद्र बोस की तरह मैंने वहां डायलॉग बाजी की कि सर आई विल प्रूव टू बी एन एसेट टू योर स्कूल, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मेरिट है, आप मेरे मार्क्स देख लीजिए और मैं ILS लॉ कॉलेज का नाम ग्लोबली करूंगी। सो ही हैड अ वेरी दिस थिंग कि एक यू नो 16-17 साल की लड़की खड़ी है एंड विद अ स्पार्क इन दैट आईज एंड ही अडॉप्टेड मी। सो ₹300 की फीस साठे सर ने भरी थी, लॉ कॉलेज का सफर तय हुआ और ऐसे ही शादी भी हो गई। एक अच्छा हम सफर मिला जिसने हैंड होल्डिंग किया। अब उस वक्त इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था और सपना था बैरिस्टर का इंग्लैंड जाने का। ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाके उस वक्त ना तो देखिए कोई डाउनलोडिंग के सिस्टम्स थे, कुछ भी नहीं, तो सारा मैनुअल वर्क होता था, हाथ से फॉर्म्स भरना स्कॉलरशिप के ब्रिटिश लाइब्रेरी में, जैसे शेवनिंग स्कॉलरशिप हो, फुलब्राइट हो या एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है, तो ये सारी चीजें बहुत हार्डवर्क करना पड़ा। एंड फाइनली आई गॉट ₹28 लाख की स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम टू स्टडी LLM एट UK। बाद में सफर मतलब इस तरह से रहा कि संघर्ष हजारों आए, क्योंकि मराठी मीडियम, मैं वापस इसलिए कहना चाहती हूँ कि मीडियम आपका कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं हो सकता। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मराठी मीडियम है या मैं कम पढ़ रहा हूँ या कॉन्वेंट के सामने मैं फीका पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ आई कैन मेक दैट जर्नी फ्रॉम पोयनार सच अ स्मॉल, जहाँ पे मुझे तो 8th स्टैंडर्ड से इंग्लिश शुरू हुई, 10वीं में था दिस इज गोपाल एंड दिस इज सीता, सो इमेजिन द जर्नी फ्रॉम दैट बैकग्राउंड टू UK, ऑक्सफर्ड, नॉटिंगहम एंड देन हार्वर्ड। एज इज नॉट ए क्राइटेरिया, द रीजन आई एम टेलिंग यू, एट द एज ऑफ 47, जस्ट 2 years ago, आई हैड दिस फुल फंडेड scholarship again from Harvard. I was nominated to be at Harvard and I got my last title as a water diplomat. So us water diplomat gave me a wonderful assignment at Palestine, a Islamic country where water war, ye jo roz aap sunte hai Gaza patti pe jo war hote hai, so I diplomat there and Israel, Jordan, wahan pe Jesus Christ ka baptism hua tha, but at the same time इस्लामिक धर्मगुरु ऑल्सो हैज यू नो द आस्था ऑन दैट जॉर्डन रिवर। तो उसमें इतनी ब्यूटीफुल चीज हुई कि सारी धर्मगुरुओं के साथ एज अ वॉटर डिप्लोमैट वी कुड रिजॉल्व एंड वी कुड हैव अ वंडरफुल एग्रीमेंट ऑन द पीसफुल आर्बिट्रेशन। सो ऐसे जिंदगी के कई सारे मौके जो आए, बट एट द सेम टाइम बींग द वुमेन, बींग फ्रॉम दिस मराठी मीडियम, नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, यू नो सपोर्ट सिस्टम और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, या आपके पीछे कोई गुरु नहीं है, गॉड फादर नहीं है कोई, यू नो तो ये सारी चीजें हर कदम पे प्रॉब्लम आई। 2 साल पहले मैं IELTS में टॉप किया, लाइक माई बैंड वॉज 8, इनफैक्ट GMAT GRE। तो ये जब एग्जाम्स भी दे रही थी तो लोगों को लगता था, बोर्ड पे भी नहीं दिख रहा था अभी 45 प्लस है तो चश्मा लग जाता है, यू नो सी आई हैव हियर, ओके, सो एज पे मत जाइए, 45 इज द न्यू 18, यू प्रूव दैट 45 इज द न्यू 18, आज जो 18 साल की लड़कियां नहीं करती वो आज आप कर रहे हो। सो एट द एज ऑफ 45 आई अपीयर टू IELTS GRE, टॉप दैट एंड अगेन आई गॉट दिस हार्वर्ड। सो जिंदगी में कोई चीज आपका पैर नहीं रोक सकती। आपके देखिए बच्चे बड़े हो जाते हैं, फ्री हो जाते हो, वैक्यूम हो जाता है, एम्प्टीनेस आता है, क्या करे लाइफ में। सो नेवर एवर गेट सो अटैच टू चिल्ड्रन कि आप अपने आप को भूल जाए, आप अपने बारे में सोचे ही नहीं। आणि मराठी में कहते हैं अशी पाखरे उड़ू नहीं जाती। बच्चे ये पंछी है, वो उड़ जाएंगे, उनके अंदर इतना मत इन्वॉल्व हो जाओ कि आप अपने बारे में पूरा भूल जाओ और बाद में वो जब चले जाए तो आपके पास करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। सो वेकअप, यू नो, सो दैट वेकअप कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर इन अ लॉकडाउन टाइम्स, फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स, डिप्रेशन। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, साइलेंस है, पॉज है, जिंदगी का एक नया ये है, आवाम है, इसमें आप एक नया जर्नी तय करोगे। पर अभी आप किसी को पूछोगे तो वो गालियां दे देगा, वो कहेगा अरे यार बस हो गई तेरी बकबक, ये साइलेंस, पॉज, नाउ पक गए हैं, बोर हो गए हैं। बट गाइस यही चीज है जो जिंदगी में आपको एक टॉलरेंस, यू नो, सहन शक्ति। और इस टाइम में जब आप कुछ नया करेंगे, आपके प्रतिभाओं को जानेंगे, आप अंदर के आपके सफर को तय करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू डिस्कवर योरसेल्फ।
ये डिस्कवरी जो सेल्फ विद इन है वो जब तक आप नहीं करेंगे आपको कोई चीजों का जवाब नहीं मिलेगा। आप दुनिया के पीछे भागना बंद करिए। आपके नेबर ने क्या किया, किसको 97% आए, 98 आए, कौन क्या कर रही है, कोई ज्यादा पैसे कमा रही है, किसी को 50 लाख का पैकेज है, डजंट मैटर। आपका अगर एक आर्ट पीस भी बहुत बढ़िया हो रहा है तो उसमें भी एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। सो लाइफ एक हम लोगों ने बहुत हजारों पता नहीं कितने लाख योनि पार करके हम ये मनुष्य जन्म में आए हैं, तो उसको हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, क्योंकि हमारा जो आजकल का लाइफ है वो बड़ा सुपरफिशियल है, यू नो लाइक वी आर इनटू दिस ऑल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। होना चाहिए, पैसे इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट ऑल, इट्स नॉट एवरीथिंग। सो सबसे पहले वो जो सुकून है, वो जो दिल का सुकून है, आपके जज्बे को आपने अगर नहीं समझा है अभी तक, और अभी तक आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिली है, आपको कंटेंटमेंट नहीं मिली है, तो आपका लाइफ जो है अभी तक का वो जीरो है। आप सोचिए कि आपने जन्म लिया, आप इतने बड़े हो गए, आपने खाया पिया, बहुत अच्छा हस्बैंड है, माता पिता है, सब कुछ है आपके पास, बच्चे अच्छे हैं, सब हो गया। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाती है, बाद में जैसे कोरोना में आपके सामने देख रहे हैं आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कितने सारे जो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे, हमारा भी नंबर उसी में लगने वाला है। नाउ इमेजिन जब भी कोई जाता है हम कहते हैं यार बेचारा चला गया, बहुत जल्दी चला गया। सुशांत सिंह राजपूत, वॉट एवर केस मे बी, डिप्रेशन और वॉट एवर, ये एज नहीं थी उसकी जाने की, वी ऑल सिंपली लव्ड हिम। बट एट द सेम टाइम अभी 2 दिन पहले किसी यंग एक्टर ने सुसाइड किया। आई टेल यू, जो भी ये सुसाइड करते हैं इनकी मेंटल हेल्थ को अगर प्रॉब्लम है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये सोशल मीडिया है, क्योंकि हमने हजारों लाखों वर्चुअल फ्रेंड्स बना दिए, पर हमने एक दिल का दोस्त नहीं बनाया जिसे एक फोन करके कह सके कि यार तेरे कंधे पे मैं रोना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। क्यों नहीं, यू नो व्हाई वी आर ऑलवेज एनग्रॉस्ड विद कितने लाइक्स मिले, किसने मेरा मैसेज को एक्नॉलेज किया नहीं किया, मेरा नाम कहीं आया नहीं आया। इसमें से हमें बाहर निकलना होगा। सबसे पहले ये सोचना होगा, इफ यू आर डिजर्व वन, वर्ल्ड विल सैल्यूट यू, वर्ल्ड विल इनवाइट यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने जब मुझे इनवाइट किया, इसके पहले मैं आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर एंड कनाडा प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा प्रिविलेज रहा है कि मैं काम कर चुकी हूँ, पर आपको पता है इंडिया में बहुत मुश्किल है प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनकी शक्ल भी देखना मुश्किल है, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मैं पूना में बैठी हुई, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सो माई वर्क ऑफ बनारस, माई वर्क ऑफ कानपुर, डिजिटल वुमेन वॉरियर्स जो कि हमारी डिजिटल वुमेन कोऑपरेटिव है, जिसमें वी आर मेकिंग दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट टू द वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, सो ये सारे चीजों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार राइटिंग अ पर्सनल लेटर एनकरेजिंग कि आप वुमेन को इस तरह आगे बढ़ाइए। इनफैक्ट नाज़नीन, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट मोदी जी ने खास एक मैसेज दिया था कि शर्मिला जी आप प्लीज मुस्लिम वर्ग की डिप्राइव्ड महिलाओं के साथ काम करिए। उसके बाद हमने बनारस में मुस्लिम की जितनी भी थोड़ी सी जो एक्सपोजर नहीं मिला है जिनको, उनके लिए हमने डिजिटल के क्लासेस चलाए, मुंबई में भी किया, सब जगह पूरे इंडिया में 75 प्लेसेस तक हमने वो क्लासेस चलाए। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि नथिंग कैन स्टॉप यू। अगर आपका जज्बा बुलंद है, अगर आपकी थिंकिंग, अगर आपको लगता है कि यू नो आपने जन्म लिया कोई कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए नहीं किया, आप एक आम आदमी के लिए नहीं आए हैं, सो जो भी जीना है सलीके से जीना है, जो भी करना है कम से कम ये फुलफिलमेंट तो लीजिए ना यार, कसम से मैंने जिंदगी को जिया है, हर दिन को भरपूर जीना है। सो मेड बी अ स्टडीज, मेड बी हमारी मैरिज लाइफ, मेड बी अ मदरहुड, फादरहुड, पेरेंट्स, हर वक्त स्ट्रेस है, हर जगह पे प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कहीं पे कोई आसानी से तो कुछ भी नहीं मिला है। मेरा जितना आप स्टोरी अभी मैंने 10 मिनट में बोला है, मैं इसमें आपको बता नहीं सकी हूं कि हर वक्त इन आंसुओं ने मुझे बनाया है। ह्यूमिलिएशंस, हर जगह पे ह्यूमिलिएशन रही है। आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, वर्क करेंगे, जॉब करेंगे, वहां पे भी आपको ह्यूमिलिएशन जाएगी। यू विल एज अ वुमन यू विल गो थ्रू सेक्सुअल हरासमेंट्स आल्सो। सो प्रॉब्लम्स आर इन अबंडेंस, बट द सॉल्यूशंस आर इन मच मोर अबंडेंस। सो इट इज ऑल अप टू यू हाउ यू टैकल इट एंड हाउ यू मेक अ वे। व्हेन देयर इज अ वे देयर इज अ विल। सो मेक इट एंड इफ यू फील गुड जस्ट डू इट। और आप दुनिया की परवाह मत करो, दिल का सोचो। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक कहावत कही थी जब मैं पोलनाड़ में थी, सारे लोग नाम रखते थे कि अरे आपकी लड़की भाग जाएगी, मुंह काला करेगी, ये रोज मेरे पापा को मम्मी को बोलते थे। तो मेरे पापा बोलते थे बेटा तुम एक हाथी हो, और मैं हाथी हूँ, वैसे भी मैं अपने आप को हाथी समझती हूँ, साइज से भी बनी गई। तो वो एक फीलिंग भी आ गई, मैं हाथी हूँ और सारे जो भी मेरे को नाम रखेंगे वो भूखने वाले रहेंगे। सो वो अनकन्वेंशनल थिंकिंग, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ने मुझे आज तक के सफर में
बहुत ही मुझे मेरे जर्नी में, मुझे सफर में मददगार बनी है. और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अनकन्वेंशनल थिंकिंग, और ये ना सोचना कि लोग क्या कहेंगे. लोगों का काम है कहना, काम है कहना, करे करना. सो बस जिंदगी का ये कारवा बनता गया और देश के लिए आज मैं पूरा जी जान लगा के काम कर रही हूँ. हमने आपके काम की तो बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है, हमने खुद आपका काम देखा है. इट इज कमेंडेबल शर्मिला जी, अ ट्रू इंडियन पेट्रियट की मिसाल हो आप. यू आर अ फैबुलस इंडियन फर्स्ट एंड यू आर अ ग्रेट, इवन अ बेटर ह्यूमन बीइंग. आई हैव नोन यू एट क्लोज क्वार्टर्स, आई हैव नॉट नोन अ मोर हम्बल पर्सन लाइक. थैंक यू. एंड वी आर ऑनेस्टली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन अ शो. We have a question answer session that we have opened just now. I have a few questions that have come in already. Can I ask those? Sure. Before I start with the question answer session, I must say that I do not get inspired easily by anybody and everybody. But today I am speechless. I'm absolutely taken aback. I loved every word you said as a woman. I loved it as a mother and I loved it as a person. You have to be content is what I am taking back from this webinar. Aapko contentment, you have to be content in your own self. Thank you so much for inspiring the many hundreds like me. I'll start with the first question. So the first question that has come in is from a very young child. The child says, please tell us how you became the principal at 29. Did you plead or did you just get it in your lap? No, actually, the story is I was in Canada and I was approached by the Balaji Society in India, which is IIMM and ICIB and Balaji Society. So, which is at Indira, next to Indira. It's a very popular institution in India. So, they had approached me and 2003, I came to India actually because my mind was always ki mujhe mere desh ke liye kuch karna hai. तो जब मैं इंडिया में थी तो इफ यू नो कैंप में एडवोकेट कैस्टेलिनो बहुत फेमस थे. आई यूज टू वर्क विद एडवोकेट कैस्टेलिनो, पंडित, सेसिल, फलेरो. सो दिस वाज ऑल टीम इन कैंप आई यूज टू वर्क. बट लेटर यू नो दिस कोर्ट प्रैक्टिस एंड अनकरप्ट, यू नो लाइक करप्ट थिंग्स एंड अनएथिकल थिंग्स डजंट इम्प्रेस मी एट ऑल. सो बिकॉज ऑफ दैट सेम लाइक महात्मा गांधी, आई कुडंट प्रैक्टिस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ इन इंडिया. सो देन एकेडमिक्स वॉज द थिंग. And this was again the man who never cares for the society. Sare logon ne badi eyebrows upar ki jo conventional type ke hote hai. India ke universities mein aap dekhenge to sare principal to aise chashme wale bade se ekdam boodhe se vagre aise hi dikhenge. So jab unhone mujhe approach kiya, mujhe bhi thoda pehle yaar Canada se main India aayi migrant lady. When I entered University of Pune and the interview, to sabko aise eyebrows badi raise ho gayi, and that too I was in a corporate suit and ek principal law college ke aise, you know. So I was being even told by many people ki aapko aisa dressing nahi karna hai, aapko saadi pehni hai. I changed the complete scenario of education system. I was again teaching in ILS law college. I never used to teach in classrooms. I used to teach under the tree, canteen. So student community मेरा सबसे बड़ा है वर्ल्ड में. एंड यू नो दैट जो क्वेश्चन है कि इतनी जल्दी जो कैसे आया प्रिंसिपलशिप, तो इट वॉज एक्चुअली बिकॉज उनको किसी ने मेरा रेफरेंस किया रहेगा दैट दिस लेडी इज टू गुड इन टीचिंग. बिकॉज मेरा बैकग्राउंड आईएलएस लॉ कॉलेज में आई यूज टू टीच लॉ एंड देन आई वॉज ऑल्सो इन यूके टीचिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट दे इनफैक्ट आई सेड सर आई एम सो यंग एंड आई एम नॉट फुलफिलिंग एनी क्राइटेरिया ऑफ नेट सेट, यू नो ऑल्सो. वो कहते ये सब किस बला का नाम है ये नेट सेट, क्योंकि वो तो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एंड यू आर कंसेप्चुअली सो गुड. सो इन सब ने सबके साथ लड़ाई करके सो 5 to 6 years I was a principal director of law college. God bless all these people who helped change the scenario, who broke away from the convention, you know, the conventional route. God bless all these people who have come in your life and given us the Sharmila ji we know today. There's another question that has come up. What was your water and peace building effort in Palestine and Israel? So I guess a student wants to know what is it that you did, or maybe what is this peace building and water crisis? Okay. So similarly, like, you know, like with Pakistan, we have a treaty for the water. In 1960, that treaty was made. Same like that, we have a treaty with Bangladesh, Brahmaputra River. You know, so these are the international treaties.
So here I was being invited. So in Palestine, Jordan and Israel, they share the one Jordan River belt. Similar like we have Ganga. You know, in Namami Ganga, Ganga flows 2100 kilometers from like West Bengal to, if you see Dehradun, you know, Uttarakhand. So in this all belt, there are a lot of villages. So now imagine every village claiming ki ye mera part hai, ye mera portion hai. Wo aap nahi le sakte hai. So similarly, Jordan River ka bhi bahut bada water war chal raha hai, udhar chal raha tha rather. So then when I was invited there, the best part was they were very impressed by my lifestyle of being vegetarian, because Palestine mein kuch bhi vegetarian nahi tha. And imagine ek mahina jab main wahan reh rahi hu, wo log mujhe observe karte the. Sheikh Imam Mustafa, in fact, wahan ke jo dharm guru hai, wo dekhte the. Aur maine, you will be very surprised, maine kisi store se mirchi laake rakhi thi, hari mirchi. To main wo bread ke saath ek mirch bhi kha leti thi, you know. So these all people... Bread or mirchi? मिर्ची थेपला तो कॉम्बिनेशन होता है but then you know vegetarian to survive as a vegetarian, so they used to like and they started calling me as an angel because उन्होंने देखा कि इतनी ठंड है फिर भी she is not you know drinking और इसका कोई भी नॉनवेज नहीं खा रही है you know like जैसे दूसरे जो लोग थे there were all other diplomats from the other part of the world like there were another girls or women smoking or maybe